नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। निजामाबाद पुलिस ने अवैध गांजा तमंचा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह अवैध असलाह रखने व स्वापक औषधि के तस्करी करने वालों की गिरफ्तारी के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। निजामाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक अनवर अली खान के नेतृत्व में उप निरीक्षक रत्नेश कुमार दुबे व नायब तहसीलदार शैलेंद्र चंद्र सिंह हमराही पुलिस बल के साथ क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि बड़ा गांव नहर पुलिया पर एक व्यक्ति अवैध असलाह व कारतूस व नाजायज गांजा के साथ बैठा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके उप निरीक्षक रत्नेश कुमार दुबे में हमराहियान द्वारा मौके पर पहुंचकर पुलिया पर बैठे व्यक्ति से पकड़कर पूछताछ किया गया तो अपना नाम गफ्फार पुत्र सिबली शाह गंधुवई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ का निवासी बताया। तलाशी के दौरान अभियुक्त उपरोक्त के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व एक की ग्रा व 150 ग्राम गांजा व बरामद हुआ। पुलिस ने सुनसकत धाराओं मुकदमा पंजीकृत करके चालान कर दिया। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ सरफराज अहमद की रिपोर्ट।